वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं संयुक्ताक्षर। तो अब देखते हैं कि संयुक्ताक्षर क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो वे आपस में मिल जाते हैं और संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्त जुड़े हुए कंबाइंड अक्षर हो जाते हैं। इस क्रम में एक व्यंजन आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है। किस प्रकार, चलिए देखते हैं किस प्रकार जुड़ते हैं। चा, ये दो शब्द हैं, दोनों व्यंजन हैं। अब पहला वाला जो व्यंजन है वो आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चा। इस प्रकार इसे लिखा जाएगा, माँ चा। इसका मतलब है कि ये शब्द, सॉरी, ये अक्षर आधा रहेगा, छ रा। तो ये किस प्रकार हो जाएगा, लिखा जाएगा म च छ र। च आधा हो गया और छ में मिलके संयुक्ताक्षर बना लिया। इसी प्रकार क, क में छोटा उ की मात्रा, त, त, आ की मात्रा, कु, ता है तो ये आधा ता, पूरा ता, आ की मात्रा, कुत्ता। इसी प्रकार लिखा जाएगा। पहला वाला अक्षर है व्यंजन, वो आधा हो जाएगा और दूसरे अक्षर से जाके मिल जाएगा। इसी प्रकार और कुछ शब्द देखते हैं। स, त, या, ये आधा हो जाएगा और इसमें जाके मिल जाएगा सत्य। क, च, च, क, च, च में आ की मात्रा, आधा हो गया चा और ये हो गया कच्चा। चलिए कुछ और शब्द देख लेते हैं संयुक्ताक्षर के। पक्का, राज्य, मुन्ना, चक्की, जल्दी, हल्दी, लल्ला, गल्ला और सबका प्रिय रसगुल्ला।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।